हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर नॉर्थ जोन वुमन वर्सेस ईस्ट जोन वुमन के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मलेशिया T20 के वीडियोज मिल जाएंगे, इसके साथ साथ ऐसे पौंडुचेरी T20 के वीडियोज मिल जाएंगे, CBFS T20, यहाँ पर अरेबियन T20, तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक अटैच किया है, इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आपको सर्च करना है @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर और इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। बात करें इस मैच की, तो ये मैच यहाँ से सुबह में 11 बजे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम लखनऊ में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ से बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, यानी कि पहले बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी पिच है, अच्छे खासे रन्स बनते हैं, यहाँ से 150+ बन सकता है, लेकिन वुमन मैचेस है इतना एक्सेप्टेड नहीं करेंगे, हालांकि 130 के प्लस आराम से स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। चेजिंग में अभी तक 8 बार मैचेस खेले गए, जिसमें से 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती। ये कौन से आंकड़े यहाँ पर T20 के आंकड़े, जहाँ पर 8 मैचेस खेले गए, 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, 3 बार यहाँ पर चेजिंग करते हुए टीम ने जीती है। तो आई थिंक जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करना पसंद कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी टीम नॉर्थ जोन वुमन की, जो कि लास्ट मैच खेली और हारती हुई आ रही है। हालांकि परफॉर्मेंस तो प्लेयरों का काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन हार जीत होती रहती है और हो सकता है अगली मैच के अंदर कुछ अच्छा करते दिखाएगी। ओपनिंग में कौन है यहाँ पर, अमनजोत कौर और प्रिया पुनिया ने लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग किया। तो बात करें इंपोर्टेंस की, तो यहाँ से अमनजोत कौर वेरी इंपोर्टेंट पिक रहेंगी। लास्ट मैच के अंदर हमारी वाइस कैप्टन थी, जहाँ पर उन्होंने 66 रन की पारी खेली और वन साइडेड विनिंग करवाया, क्योंकि इनका सिलेक्शन काफ़ी कम था कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर। बाकी एज अ प्लेयर इंपोर्टेंस रहेगी अमनजोत कौर, इनको डेफिनेटली लेके जाना है। प्रिया पुनिया की बात करें तो काफ़ी क्लास प्लेयर है, इवन ज़्यादा गेंद खेलते हुए भी यहाँ पर थोड़े बहुत स्कोर करके आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दे सकती है, तो इनको डेफिनेटली लेके जाना है। बात करें यहाँ पर हरलिन देओल की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले, इवन लास्ट मैच के अंदर हमारी कैप्टन थी, जहाँ पर उन्होंने 36 रन किए, साथ में 4 ओवर्स की गेंदबाजी की, जहाँ पर 4 विकेट निकाल दिए। तो वही परफॉर्मेंस की उम्मीद के साथ हम लोग एक बार फिर से इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई करेंगे हरलिन देओल को। बाकी सुषमा वर्मा की बात करूँ तो सुषमा वर्मा ने अभी रिसेंटली जो सीनियर वुमन T20 खेली गई थी ना, वहाँ पर ओपनिंग किया था, तो मैंने यहाँ पर ओपनिंग में मेंशन किया था, लेकिन लास्ट मैच के अंदर 4th नंबर पर खेली। हालांकि प्लेयर जबरदस्त है यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से, एक बार फिर से मैं इनको लेते हुए जा सकता हूँ ऐसे सुषमा वर्मा को, क्योंकि इससे पहले आप देख सकते हो 40 और 68 जैसे 2 बड़े स्कोर किए थे उन्होंने पिछली टूर्नामेंट के अंदर। बात करें ऐसे कनिका आहूजा वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी, इवन इस बंदी को भी आप लोग ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो। लास्ट मैच के अंदर बैटिंग से सिर्फ 2 रन किए, बाकी ओवरऑल 10 मैच के अंदर 304 रन है, 22 विकेट उन्होंने ODD के अंदर ये कारनामा किया हुआ है। लास्ट जब खेली थी सीनियर वुमन्स में, वहां पर भी उन्होंने 25 रन 1 विकेट निकाला था, यहां पर भी उन्होंने 4 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट निकाला, बैटिंग से सिर्फ 2 रन किए। सुमन गुलिया की बात करो तो 10 मैच के अंदर 15 विकेट है, प्लेयर अच्छी है, ऐसे इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ऐसे राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है, शुरुआत में या फिर देथ में 1 ओवर्स की गेंदबाजी करवा सकते हैं, गुलिया को जरूर ट्राई करिएगा। बाकी शीतल राणा प्लेयर जबरदस्त है, नो डाउट काफी अच्छी प्लेयर है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर इनका काफी नीचे रहेगा और इनको लेके जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। बाकी ओवरऑल 10 मैच 318 रन है, अगर बैटिंग इनकी आ जाती है तो यहां से 20 से 25 रन आपको करते हुए नजर आ सकते हैं मिनिमम, बाकी इससे ज्यादा भी करवा सकते हैं। तानिया भाटिया की बात करो तो विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको पॉइंट्स दे सकती है, कैचिंग स्टंपिंग से पॉइंट्स दे सकती है, बाकी बैटिंग ऑर्डर इनका काफी नीचे रहेगा। हालांकि इससे पहले जो टूर्नामेंट खेला गया ना, यहां पर थोड़ी सी ऊपर खेली थी, लेकिन यहां पर उनका चांसेस बहुत कम है, क्योंकि प्रिया पुनिया रेगुलर यहां पर ओपनर प्लेयर है, टीम इंडिया की तरफ से भी ओपनिंग करवा चुकी है, और यहां से अमनजोत कौर हो गए, हरलिन देओल, ये सारी टॉप में ही खेलेगी, तो यहां पर इनकी
बैटिंग आनी बहुत ही मुश्किल है। सिमरन बहादुर एच ए डिफरेंशियल में ट्राई करोगे, लास्ट मैच के अंदर सिर्फ एक ही ओवर की गेंदबाजी की, हो सकता है अगली मैच के अंदर ऐसे दो से तीन ओवर की गेंदबाजी करवा ले, बाकी अभी इनको लेके जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। सोनिया लोहिया एज अ डिफरेंशियल में एज अ प्लेयर एक अच्छी पिक बन सकती है आपके लिए, दो ओवर की गेंदबाजी की थी जहाँ पर एक विकेट निकाला था। बाकी अमनजोत कौर मीन्स यहाँ पर अमनदीप कौर की बात करूँ, उन्होंने भी लास्ट मैच के अंदर दो ओवर की गेंदबाजी की थी जहाँ पर विकेट लेस रही थी। ओवरऑल पांच मैच के अंदर छह विकेट है, भरोसा कर सकते हो। स्टार्टिंग में ऐसे कौन आएगा, तो एस गुलिया और ऐसे सिमरन बहादुर स्टार्ट करेंगे, बाकी बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर खेलेगी तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि इंपोर्टेंस की बात करते ऐसे रुबिया सैयद वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ऐसे अनिशा अंसारी एज ए डिफरेंशियल में ट्राई करोगे, मोनिका पांडे ओके ओके रहेंगे और ऐसे शिवानी गुप्ता भी ओके ओके प्लेयर रहेगी। बात करें ऐसे टीम ई जेड डब्ल्यू की, तो यहाँ से देखो बैटिंग ऑर्डर इनका जो रहेगा वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अलग अलग क्लब से आ रही है और अलग अलग स्टेट्स आ रही है, तो यहाँ पर चेंजेस वगैरह थोड़े बहुत हो सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर अश्विनी कुमारी और माधुरी मेहता दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं, क्योंकि अपने अपने स्टेट्स में ये ओपनिंग करवा सकते हैं। इवन यहाँ पर अश्विनी कुमारी तो अपने जो क्लब खेला गया था वहाँ पर कैप्टनशिप करवा रही थी, टीम की कैप्टनशिप करवा रही थी। अभी रिसेंटली जो टूर्नामेंट खेली गई थी आई थिंक शायद यहाँ पर झारखंड टी ट्वेंटी खेली गई थी, उसी के आंकड़े। तो यहाँ से बैटिंग से बॉलिंग से काफ़ी अच्छा एडवांटेज दे सकती है, आप देख सकते हैं 39, 56, 41 जैसे स्कोर किए हुए, तो एज अ प्लेयर तो इंपॉर्टेंट रहे कि इवन यहाँ पर इस बंदी को आप लोग यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो। माधुरी मेहता की बात करते तो एज अ प्लेयर आप डिफरेंशियल में इनको ट्राई कर सकते हैं, एज अ प्लेयर इवन होनी चाहिए आपकी टीम के अंदर। 15 मैच के अंदर करीबन 40 के एवरेज से 400 रन थे और शुरुआत अच्छी की थी यहाँ पर, 35, 51 और यहाँ से 22 रन जैसे स्कोर किए थे। बाकी रश्मि डे जो है ये भी यहाँ से बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको एडवांटेज दे सकती है, इवन बैटिंग की बात करो तो बैटिंग से टॉप में खेल सकती है, तो रश्मि डे एज अ प्लेयर आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए। अनुजा पाटिल की बात करो तो T20 इंटरनेशनल टीम इंडिया की तरफ से 50 मैच खेली हुई प्लेयर है, ये 50-50 मैच यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से खेली, करीबन 18 के एवरेज से 386 रन और साथ में ऐसे 48 विकेट भी निकाले हुए हैं, तो एज अ प्लेयर एक अच्छी पिक है, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। बाकी मीता पॉल की बात करो तो मीता पॉल ने पिछली टूर्नामेंट के अंदर काफ़ी निराश किया था, बाकी इससे पहले जो बंगाल T20 खेला गया था, बंगाल वुमन T20, वहाँ पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही थी, यहाँ पर ओपनिंग भी करवा रही थी, साथ में यहाँ पर चार ओवर्स की गेंदबाजी भी करवा रही थी, विकेट वगैरह चटका रही थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने काफ़ी निराश किया, तो अभी के लिए आई थिंक शायद इनको आप लोग ड्रॉप करना चाहो तो थोड़ा सा रिस्की तौर पर इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी एज अ प्लेयर प्लेयर तो अच्छी है, ओपनिंग भी करवा सकती है, चांसेस है यहाँ पर ओपनिंग में भी आ सकती है, तो ट्राई करना चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो। प्रियंका बाला विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेगी, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी चॉइस है तो हम लोग ऐसे प्रियंका बाला को पिक नहीं करेंगे, हालांकि इनको भी बैटिंग से ऊपर भेजा जा सकता है। बाकी देवयानी प्रसाद की बात करो तो हर एक मैच के अंदर 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी करेगी, तो इनको डेफिनेटली लेके जाना है। अंशु के भी गुप्ता की बात करो तो इस प्लेयर को जरूर ट्राई करेगा, क्योंकि ज्यादातर विकेट लेस रहते हैं, लेकिन जब भी विकेट निकालते हैं तो ऐसे 3-4 विकेट एक साथ में निकाल लेती है, तो इनके ऊपर भरोसा पूरा कर सकते हो। बाकी इन दोनों प्लेयर में से किसी एक को ट्राई करना है आपको, या तो सुकन्या परिदा या तो यहाँ से शायका इशाक आपकी टीम के अंदर दोनों में से कोई भी एक रहनी चाहिए। बाकी शांति कुमारी की बात करो तो ये डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहनी चाहिए, हर एक मैच के अंदर विकेट निकालते हुए नजर आ सकती है, आप देख सकते हो कितनी मैचेस के लिए जहाँ पर लगभग हर एक मैच के अंदर विकेट निकाली इस बंदी ने, यहाँ पर 2 और 3 विकेट भी निकाले, तो हर एक मैच के अंदर ऐसे 1 से 2 विकेट निकालेगी, तो शांति कुमार को जरूर ट्राई करना है। बाकी बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर खेलेगी तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। बाकी अभी के लिए देख लेते हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो ऐसे माधुरी मेहता को मैंने लिया, देखो ऑलरेडी इनका एक मैच हो चुका है तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रहा नहीं तो आई थिंक सॉरी रहेगा। बाकी इनके ओवरऑल मैं यहाँ से रिकॉर्ड ऐड करते पूरा ऐड करके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पहुँचा दूंगा, तो इसके लिए नो डाउट। बाकी जो भी प्लेयर का जो भी अनाउंसमेंट दिए मैंने, जो भी स्टेट्स वगैरह दिए उसी हिसाब से परफॉर्मेंस भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर माधुरी मेहता की जगह पर आप सुषमा वर्मा को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बंदी खेलेगी तो ऐसे बड़ा परफॉर्मेंस देगी। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर हरलीन देओल इनके साथ, यहाँ पर ए कुमारी और यहाँ पर पी पुनिया हमारी टीम के अंदर रहेगी, पी पुनिया यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर है तो इसके लिए ऊपर मैंने इनके ऊपर भरोसा किया हुआ है। बाकी शीतल राणा प्लेयर अच्छी है लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहा इनका। बात देवयानी प्रसाद को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो आप लोग, बैटिंग बॉलिंग दोनों करवा सकती है। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर पी प्रिया दर्शनी इनके साथ यहाँ से एक और इनके साथ यहाँ पर अनुजा पाटिल और यहाँ पर मीता पॉल को मैंने लिया हुआ है। आप लोग ऐसे मीता पॉल की जगह पर आर डे या फिर एक बॉलर्स को ज्यादा ले सकते हो, ऐसे सिमरन दिल बहादुर को ले सकते हो। और बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो ऐसे के आहूजा के साथ यहाँ पर साइकिया इशाक
और यहाँ पर एस लो, ये हमारी टीम के अंदर रहेंगी। बाकी आप लोग यहाँ से गुलिया को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। टीम की बात करूँ तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी कि कैप्टन रहेगी हमारी यहाँ पर हरलीन देओल और वाइस कैप्टन यहाँ पर एक और रहने वाली है। अदरवाइज जो ऑप्शंस की बात करूँ तो जिस तरह से लास्ट मैच के अंदर प्रिया दर्शनी का परफॉर्मेंस रहा इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। बाकी अभी के लिए टीम की बात करूँ तो कुछ इसी तरह से रहेगी। याद रहे कि जो टीम है डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी। फाइनल लाइनअप के बाद तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया है। इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आपको सर्च करना है @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। या अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कर दो, साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आगे आने वाले अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हम लोग अगली वीडियो में एक नई सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।